बंगाल की खाड़ी में उठा सुपर साइक्लोन एम्फन ओडिशा तट के करीब पहुंच गया है। राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली कराने का काम तेज कर दिया है। उड़ीसा के पुरी, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और खुर्दा जिलों के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी गई। वर्षा और हवा की गति धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि सुपर साइक्लोन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और इसका प्रभाव उड़ीसा पर बहुत गंभीर होने की संभावना नहीं है। हालांकि जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय जिलों में मंगलवार शाम से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले दोपहर के बुलेटिन में भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि सुपर साइक्लोन एम्फन बुधवार को दोपहर या शाम तक सुंदरबन के नजदीक दीघा और हटिया द्वीप समूह से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अम्फान चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह लोगों को खतरे के बारे में आगाह करें एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना संकट के बीच अम्फान तूफान देश में आ रहा है। मैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने आसपास के लोगों को खतरे की चेतावनी दें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें। आप सभी सुरक्षित रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।